आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर जिस जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में आज ये कैंडल मार्च निकाली जा रही है। उस कैंडल मार्च के लिए चलते हुए यहाँ पर पुलिस बल पूरी तादाद में, फुल तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है, महिला से लेकर जेंट्स पुलिस कर्मी पूरी तादाद में तैनात है। और ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये कैंडल मार्च आ रहा है जो पहलवानों के आंदोलन को कैंडल मार्च से आज शाम 7 तारीख को शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ तमाम लोग यहाँ पर कैंडल मार्च को कैंडल मार्च निकाल रहे हैं पहलवानों के समर्थन में। और आप पीछे देख सकते हैं कि ये पुलिस प्रोटेक्शन चारों तरफ से लगाया गया है, दोनों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं। और इधर आके ये आप देख सकते हैं कि ये कैंडल मार्च है, ये देखिए भारी तादाद में भीड़ लगी हुई है। और ये आगे कैंडल मार्च निकल रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है पहलवानों के समर्थन में। जो भीड़ उमड़ी है आज, वही भीड़ कैंडल मार्च निकाल रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर तमाम तरीके की पब्लिक है। यहाँ पर आगे लेके चलता हूँ जो बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कैंडल मार्च निकली हुई है, साक्षी मलिक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। आप देखिए शाम के 7 बज रहे हैं और 7 बजे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये दिल्ली के जंतर मंतर की रिपोर्ट है। ये जंतर मंतर पर मैं आपको लाइव शाम 7 बजे की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कैंडल मार्च का मतलब ये है कि इस आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती मिले, जितने भी यहाँ एक खिलाड़ी ही नहीं, पहलवान ही नहीं, यहाँ पर किसान भी हैं, आम लोग भी, आम नागरिक भी हैं। यहाँ इस कैंडल मार्च को धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। ये जैसे कैंडल मार्च पहलवानों को मजबूती और साहस देने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये देखिए भाई साहब मोमबत्ती पीछे कर लो, हमें मत जलाना। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और अन्य खिलाड़ी जो मेडलिस्ट हैं, जहाँ पर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को, जो गंभीर आरोप लगाए गए थे ब्रजभूषण को लेकर, उनकी गिरफ्तारी और उनके पद को पद से निलंबित करने के लिए इस तरीके की मांग जो रखी गई थी खिलाड़ियों के द्वारा। ऐसे में आज
देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो में आप देख सकते हैं साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और अन्य खिलाड़ी जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं। भैया कैंडल मार्च निकाल ही नहीं जा रहा भीड़ इतनी ज्यादा है, धक्का मुक्की ज्यादा हो रही है, लेकिन आपको स्क्रीन पर साफ बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और अन्य खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और पद से निलंबित करने की जो मांग थी उस मांग को पूरा करने के लिए आज जंतर मंतर पर कैंडल मार्च खिलाड़ियों द्वारा निकाला जा रहा है। नीलम इधर लगाओ ना उसका हाथ को, इधर करो नीलम। हाँ हाँ मैंने ले ली। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है उस भीड़ Thank you.
सब शांति बना लियो। अरे भाई कैंडल मार्च के साथ साथ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, लेकिन हमारा माइक आगे नहीं पहुँचेगा। तो ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है अभी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सर एक मिनट आप पंचायत में हो गए, उसके बाद 7 बजे यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और प्रोटेस्ट के बाद से जो कैंडल मार्च निकाली जा रही थी उस कैंडल मार्च के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रक्रिया हो रही है। उसके बाद आगे बढ़ाया जा रहा है इस प्रोटेस्ट को, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनके हाथ में पोस्टर्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बेकाबू है, लेकिन देखिए आप देख सकते हैं जो आंखों में दर्द है यहाँ पर साक्षी और देख सकते हैं कि कैंडल मार्च पूरा होने के बाद जो खिलाड़ी हैं, जो रेसलर हैं, वो जा चुके हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, बेकाबू भीड़ है। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, कृपया जो हाथ में मोमबत्ती लिए खड़े हैं कृपया उन्हें पेड़ के नीचे लगा दें।
It's 1920. It's 1920. It's 1921. साक्षी मलिक का बच्चा नहीं है, दूसरे कौन है? दो ही तो हैं, विनेश और एक है ना? हाँ, विनेश वो कौन है? तो तीन लोग हैं ना, विनेश वो ये इसी की बात कर रहा हूँ, ये कौन है? नहीं पता, उनको तो पता होगा, चैनल वाले पीछे पीछे हो जाए आप यहाँ सारे बाइक पीछे करो, पीछे सबको मिलेगा, पीछे पीछे आवाज आ जाएगी।